नमस्कार मैरोस, आप लोगों में से कईयों ने पंडिता रमाबाई के बारे में सुना होगा। आज से मैं आप लोगों को उनके द्वारा लिखी एक साक्षी नामक किताब को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ इस किताब के अंत तक बने रहिएगा। शब्द मेरे नहीं, बस आवाज मेरी है। मुझे यकीन है कि ये बुक आप लोगों को बहुत सारी बातों को सीखने, समझने और अपने मसीही जीवन को सुधारने में मददगार होगा। पंडिता रमाबाई हजारों आगामी बाल विधवाओं और प्रताड़ित अनाथों के लिए एक असामान्य संत स्वरूप आत्म बलिदान करने वाली माँ की तरह थी। उन्होंने सन 1896 में महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे केड़ गांव में रमाबाई मुक्ति मिशन तथा अनेक विद्यालय और बहुचर्चित सेवा आश्रमों की स्थापना की। रमाबाई केवल भारतवर्ष की नहीं बल्कि संभवतः विश्व की ऐसी प्रथम अनुवादिका थी जिन्होंने पूरी बाइबल को अपनी मातृभाषा में अनुवाद किया, मौलिक यूनानी और इब्रानी भाषा से। उन्होंने इब्रानी मराठी व्याकरण की रचना भी की। वैसे उनकी बहुत सारी ख्यातियां इस किताब की भूमिका में लिखी हुई है। मैं आप लोगों को सीधे इसके मेन स्टोरी में ले चलती हूँ। शुरुआत से पहले ये बता दूं कि ये 68 पेज की किताब है। मैं रोज पार्ट बाय पार्ट इसे आपको सुनाऊंगी। मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप इस किताब के किसी भी भाग को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा असीम धन। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। मरकुस 5:19। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। भजन संहिता 67:16। एक आदरणीय मिरास। मेरे पिताजी एक रूढ़िवादी हिंदू थे और जातिवाद और अन्य धार्मिक सिद्धांतों को दृढ़ता से मानते थे, लेकिन फिर भी वह अपने आप में से एक सुधारक थे। वह यह नहीं समझ पाए कि शूद्र जाति के लोग और महिलाएं संस्कृत पढ़ना व लिखना क्यों नहीं सीख सकते और वे वेदों के अलावा कोई अन्य धार्मिक पवित्र साहित्य क्यों नहीं सीख सकते। उन्होंने सोचा कि बाहरी लोगों के बीच प्रचार करने से अच्छा है कि घर में ही यह प्रयोग किया जाए। मेरी माताजी उनकी इस योजना में खरी उतरी, जिसके फलस्वरूप मेरी माताजी एक श्रेष्ठ संस्कृत विद्वान बन गई। घर के वे सारे काम जो एक अच्छी धार्मिक पत्नी व माँ को करने चाहिए वो करती रही, जैसे कि कपड़े धोना, खाना पकाना, अन्य पारिवारिक कार्य, बच्चों की देखभाल, अतिथि व पहनाई इत्यादि। रात का अपना समय वे निष्ठापूर्वक पवित्र पौराणिक साहित्य के नियमित अभ्यास में व्यतीत करती, जिसके फलस्वरूप बहुत सा ज्ञान उनके मन मस्तिष्क में समा गया। मैंगलोर जिले में पिताजी के गांव के पास रहने वाले ब्राह्मण पंडितों ने बहुत चाहा कि पिताजी को इस धर्म विरोधी काम से, अर्थात देवी देवताओं की पवित्र भाषा की शिक्षा अपनी पत्नी अर्थात मेरी माताजी को देने से रोके। परंतु पिताजी ने इस विरोध का सामना करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों के विस्तृत व गहरे अध्ययन के कारण हर पवित्र किताब के पाठों और पदों से उद्धृत करने के द्वारा वे यह साबित कर सके कि पवित्र शास्त्रों को सीखने का अधिकार महिलाओं व शूद्रों को भी मिलना चाहिए। उनके इस दुराचार की सूचना उनके पंथ के महापुरोहित को दी गई, जहाँ के वे सदस्य थे। ब्राह्मण पंडितों ने गुरु महापुरोहित को प्रेरित करके उनको पंडितों की भव्य सभा के सामने आने का आदेश दिया, ताकि वह इस पथ में चलने का कारण बताए अथवा उनका बहिष्कार किया जाए। उनको कृष्णपुरा व उड़ीपी के माधव वैष्णव पंथ के मुख्य पद के सामने उपस्थित होने का आदेश मिला। मेरे पिताजी ने गुरु महापुरोहित और पंडितों की भव्य सभा के सामने अपनी पत्नी को शिक्षा देने का कारण बताया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से उद्धत प्रमाणों को अपने गुरु व महापुरोहितों के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें यह विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि महिलाओं व शूद्रों को पौराणिक संस्कृत साहित्य सिखाना कोई अधर्म का काम नहीं है। सो इसके पश्चात ना तो उनका जाति बहिष्कार किया गया, ना ही उन्हें सताया गया।
इस घटना के बाद मेरे पिताजी एक रूढ़ीवादी सुधारक के रूप में पहचाने जाने लगे। मेरे पिताजी जन्म से मैंगलोर देश के रहने वाले थे, परंतु उन्होंने मैसूर राष्ट्र की सीमा पर पश्चिम घाट के गहरे जंगल की एक चोटी पर अपना घर बनाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वह दुनिया के कोलाहल से दूर शांति पूर्वक अपनी शिक्षा कार्य व ईश्वर भक्ति में व्यतीत कर सके, जहां पर भेंट करने वाले जिज्ञासु लोग उन्हें परेशान न कर सके। उनका भरण पोषण अपने धान के खेत व नारियल के बागनों से होता था। जिस स्थान पर पिताजी ने घर बनाया वह एक तीर्थ स्थान भी था और पूरे वर्ष वहाँ तीर्थ यात्री आते जाते थे। मेरे पिता के विचार से तीर्थ यात्रियों का अतिथि संस्कार व पहनाई करना उनका धर्म था। 13 वर्ष तक वे वहाँ रहे व अपना कार्य शांति पूर्वक करते रहे, परंतु इसी अतिथि संस्कार को, जिसे वे अपनी धार्मिक सेवा समझते थे, उस पर होने वाले खर्चों में ही उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गवा दी। इसी कारणवश पिताजी घर छोड़ने पर विवश हो गए और एक तीर्थ यात्री का जीवन व्यतीत करने लगे। मेरी माता जी ने बताया कि जब हमने अपना घर छोड़ा तब मैं केवल 6 माह की थी। उन्होंने मुझे एक बड़े बैते के बने हुए संदूक में रखा और एक व्यक्ति उसे अपने सिर पर उठाकर ऊंची चोटी से उतरकर नीची घाटी तक ले आया। इस प्रकार मेरे बचपन में ही तीर्थ यात्रा आरंभ हुई। मैं अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी। मेरे पिता के इसी कार्य को लेकर जहाँ कुछ लोगों ने उनकी सराहना की, वहीं कुछ ने उनका तिरस्कार भी किया। परंतु लोगों की चिंता न करते हुए उन्होंने वही किया जो उनके विचार में सही था। उन्होंने माँ, भाई व अन्य लोगों को भी शिक्षित किया। एक अनोखी शिक्षा। जब मैं 8 वर्ष की थी तब मेरी माता जी ने मेरी शिक्षा आरंभ कर दी और 15 वर्ष की आयु तक वे मुझे शिक्षा प्रदान करती रही। शिक्षा के इन वर्षों के अंतर्गत उन्होंने मेरे सोच विचारों को इस नीति से प्रकाशित किया कि जीवन में आगे चलकर दूसरों से अधिक सहायता पाए बिना भी मैं अपनी शिक्षा को पूरी कर सकूं। उस समय मैं किसी भी ऐसे शिक्षा केंद्र के बारे में नहीं जानती थी जहां पर बालिकाओं की उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध हो। मेरे माता पिता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि परिवार के हम सभी बच्चे बाहरी संसार से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क बनाए। वे चाहते थे कि हम दृढ़ता से धार्मिकता के साथ अपने पुराने विश्वास में बने रहे। संस्कृत भाषा को छोड़ कोई अन्य भाषा सीखने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उनके विचार से किसी भी तरह की अन्य शिक्षा मनुष्य को केवल सांसारिकता की ओर ले जाती है तथा मोक्ष पाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ पुनर्जन्म की अनंत समस्याएं, पशुओं की योनि में पुनर्जन्म, कष्टों और दुखों का भोगना और लाखों बीमारियों व मृत्यु से छुटकारा पाने में भी बाधा उत्पन्न करती है। अंग्रेजी भाषा का सीखना व मलिक्षों, जैसे कि गैर हिंदुओं को पुकारा जाता था, से संपर्क रखने का अर्थ था कि अपनी जाति व आने वाले जीवन की खुशियों की आशा से हाथ धोना। इस कारण हम केवल संस्कृत भाषा में ही व्याकरण और शब्द संग्रह और उसके साथ पौराणिक व आधुनिक कात्य में साहित्य का अध्ययन कर पाए। इसमें से हमको बहुत कुछ भाग, जिसमें कि पद्य रूप में लिखित व्याकरण व शब्द संग्रह भी था, हमको उसे कंठस्थ करना पड़ता था। तब से मुझे स्मरण है कि मेरे माता पिता सदैव एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान तक यात्रा करते रहते थे। हर एक स्थान पर कुछ महीनों तक रुकते, पवित्र नदी और तालाबों में स्नान करते, मंदिरों के दर्शन व देवताओं की पूजा करते तथा मंदिरों और अन्य अन्य स्थानों में पुराणों का अध्ययन करते। पुराण अध्ययन का दोहरा लाभ था। पहला व सर्वोच्चम यह कि पुराण पढ़ने से पाप दूर होते हैं व पुण्य कमाया जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरा लाभ यह कि बिना भिक्षावृत्ति के एक निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सकता था। हिंदुओं में पुराण पढ़ने वालों को पुराणिक कहते हैं, जो कि धर्म के लोकप्रिय प्रचारक होते हैं। वे मुख्य स्थानों जैसे कि मंदिरों में, पेड़ों के नीचे, नदी के तट या कुंड के पास पुराण के हस्तलेखों को अपने हाथ में लेकर ऊंचे व लयपूर्ण स्वर में पढ़ते थे, ताकि आने जाने वाले लोग व मंदिर के दर्शनाभिलाषी उन्हें सुन सके। पढ़े जाने वाले पाठ संस्कृत भाषा में होते थे, इसलिए सुनने वाले समझ नहीं पाते थे, लेकिन पुराणिक उन्हें समझाने के लिए बाध्य नहीं थे। यह उनकी इच्छा थी कि वे पुराणों को समझाए या ना समझाए,
और जब कभी वे अनुवाद करके समझाते तो पुराणिक बड़ी मेहनत से उन कहानियों को बड़ा चढ़ाकर या कभी असत्य बातें भी जोड़कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, ताकि उनके कथन और व्याख्यान और भी प्रचलित हो सके।